नमस्कार, मैं रजत। आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो अपनी आंखों की रोशनी खो चुके, देख नहीं सकते या फिर आंखों के किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ब्रेल लिपि को दुनिया का सबसे बेहतर तोहफा माना जाता है। इसका क्रेडिट जाता है लुई ब्रेल को, जिन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया था। इसी दिन को मनाने के लिए दुनिया भर में 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। दृष्टिबाधित लोगों को बराबर अधिकार मिले, इसके बारे में जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है। शार्प साइट आई हॉस्पिटल की सीईओ दीपशिखा शर्मा कहती हैं कि यूनाइटेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरे विश्व में करीब 39 मिलियन लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते। 253 मिलियन लोगों में कोई न कोई दृष्टि विकार की परेशानी है। इनमें से करीब 100 मिलियन लोगों को नजर की कोई ऐसी बीमारी है जिसे समय रहते ठीक किया जा सकता है। यानी जागरूकता के अभाव में लोग आंखों की रोशनी खो रहे हैं। अगर ब्रेल लिपि की अहमियत के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए तो लाखों लोगों की रोशनी बच सकती है। विश्व ब्रेल दिवस का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को ब्रेल के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ब्रेल लिपि में हर अक्षर, नंबर, संगीत और गणितीय चिन्हों को 6 बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिन्हें कई तरह के क्रमों में संयोजित किया जाता है और उनके ऊपर उंगलियां चलाकर पढ़ा जा सकता है। दृष्टिबाधिता से पीड़ित लोगों के अधिकार सुनिश्चित करने और उनकी बुनियादी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में ब्रेल लिपि एक अहम भूमिका निभा रही है। यह लिपि एक ऐसा माध्यम है जो शिक्षा, अभिव्यक्ति और विचारों की आज़ादी, सूचना पहुंचाने और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बेहद जरूरी। समय के साथ तकनीकी युग में ब्रेल लिपि में बदलाव होते जा रहे हैं। अब ब्रेल लिपि कंप्यूटर तक भी पहुंच गई। ब्रेल लिपि वाले ऐसे कंप्यूटर में गोल और उभरे हुए बिंदु होते हैं। कंप्यूटर में यह तकनीक उपलब्ध होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब दृष्टिहीन व्यक्ति भी तकनीकी रूप से मजबूत हो रहे हैं। ब्रेल लिपि में अब बहुत सारी पुस्तकें निकलती हैं। यहाँ तक कि स्कूली बच्चों के लिए पाठ्यक्रम पुस्तकों के अलावा रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ भी छपते हैं। दृष्टिबाधित लोगों के हितों में काम करने वाले एक एनजीओ साइट सेवर्स इंडिया के सीईओ आरएन मोहंती का कहना है कि ब्रेल की मदद से एटीएम, एलिवेटर्स, कैलकुलेटर्स, घड़ियां, अस्पतालों, सार्वजनिक स्थलों समेत बहुतों को समावेशी बनाया जा सकता है। साइट सेवर इंडिया में बच्चों को ब्रेल ट्रेनिंग देने के साथ साथ शिक्षकों को भी लर्निंग सॉल्यूशन प्रदान किया जाता है जो नेत्रहीनों की मदद करते हैं। मोहंती का कहना है कि संपूर्ण विकास के लिए केवल ऑडियो ही काफी नहीं, ब्रेल की मदद से बच्चों को पढ़ना और उच्चारण करना भी सीख लेना चाहिए। यह विराम चिन्हों की भी जानकारी देता है जो कि वाक्यों के बीच के अंतर के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं और सही अर्थ समझने के लिए इस अंतर को समझना बेहद जरूरी होता है। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं, हमें लाइक कर लें, हमें फॉलो कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।